नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भारत योजना पे। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली DSSB वैकेंसी 2023 के बारे में। तो दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन बोर्ड की तरफ से यहाँ वैकेंसी निकाला गया है, तो आप यहाँ पे कब से कब तक अप्लाई कर पाएंगे, टोटल वैकेंसी यहाँ कितना रखा गया है, क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया है, वो सब हम एक एक करके आपको यहाँ पर बताएंगे। यह है इसका नोटिफिकेशन। यहाँ पे आपको डेट बताया गया है, जो 17 अगस्त से ये फॉर्म जो है स्टार्ट होगा और लास्ट डेट जो है 15 सेप्टेम्बर तक चलेगा। यहाँ पे आपको वैकेंसीज बताया गया है, यहाँ पे पोस्ट कोड है, नेम ऑफ द पोस्ट म्यूजिक टीचर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो 182 वैकेंसीज रखा गया और यहाँ कैटेगरी वाइज में बांट दिया गया है। फिर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो 581 वैकेंसीज रखा गया है। पब्लिसिटी असिस्टेंट के लिए 1 है, फोटोग्राफर के लिए 3, सर्वेलियंस वर्कर के लिए 13, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 11, सीनियर साइंटिस्ट के लिए 5। तो वो आप एक एक करके यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ ढेर सारा वैकेंसीज रखा गया है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं टोटल जो वैकेंसीज है यहाँ पे 1841 रखा गया है। फिर यहाँ पे एक एक करके एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी बताया गया है, तो मैं सिर्फ एक या दो ही ऐसा पोस्ट है जिसके लिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे कि म्यूजिक टीचर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो 182 वैकेंसीज रखा गया है और क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे BA डिग्री किया हुआ होना चाहिए विथ म्यूजिक सब्जेक्ट आपका एक होना चाहिए BA डिग्री में, और या फिर आप हायर सेकेंडरी पास किए हुए होना चाहिए विथ एनी वन, इनमें से किसी एक से आपका हायर सेकेंडरी एजुकेशन पास हुआ होना चाहिए। अगर आप डिग्री किए हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं या फिर मास्टर डिग्री किए हुए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। फिर अगर आप यहाँ पे पब्लिसिटी असिस्टेंट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी है 1 रखा गया है। बैचलर डिग्री यहाँ पे मांगा गया है विथ इंग्लिश और हिंदी एज वन सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, और 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म में या फिर एंड मास कम्युनिकेशन में किया हुआ होना चाहिए, या फिर आपको 3 ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन किया हुआ होना चाहिए, और 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिसिटी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेप्यूट इन द फील्ड ऑफ पब्लिक रिलेशन आउटडोर पब्लिसिटी। फिर यहाँ पे आपको जो पे स्केल बताया गया है लेवल 5 का आपको पेमेंट मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं 29,200 से लेके 92,300 रुपया तक। तो यहाँ पे जो है लेवल 4 से लेके लेवल 7 तक यहाँ पे पेमेंट मिलेगा, और एज यहाँ पे 18 to 27 रखा गया, मिनिमम 18 है मैक्सिमम 27 है। यहाँ पे 18 में मिनिमम है और मैक्सिमम ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पे 32 ईयर्स तक रखा गया है एज। फिर एप्लीकेशन फ़ीस एंड मोड पेमेंट जो है यहाँ पे 100 रुपया लगेगा एप्लीकेशन फ़ी, और जो वीमेन कैंडिडेट है, शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल ट्राइब के, PWD कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विस मैन है, उन लोगों को यहाँ पे फ़ी नहीं लगेगा। फिर आपको यहाँ पे एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो एग्ज़ामिनेशन जो है 3 सेक्टर में बांटा गया है। रॉ 1 में आपका वन टायर टेक्निकल और टीचिंग का यहाँ पे पूछा जाएगा, जिसमें 2 घंटा का टाइम दिया गया है, 200 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क्स का रहेगा, ग्रैंड टोटल 200 का है। तो यहाँ पे सेक्शन ए में देखिए MCQ पूछा जाएगा, जिसमें कि आपका जनरल अवेयरनेस से, फिर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से, फिर अर्थमेटिकल से, न्यूमेरिकल एबिलिटी से, फिर टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो जितना भी ये 5ों मैंने नाम लिया ये सब 20-20 मार्क्स का रहेगा, तो 100 मार्क्स, और सेक्शन बी में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा 100 मार्क्स का, कुल यहाँ 200 मार्क्स का रहेगा। फिर आपका यहाँ पे रॉ बी में आपका वन टायर टीचिंग के लिए पूछा जाएगा, तो 200 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क्स का रहेगा, 2 घंटा का टाइम मिलेगा, और सेम सेम आपका यहाँ पे बताया गया है। फिर आपका रॉ 3 के लिए वन टायर जनरल के लिए 200 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क्स का रहेगा, सेक्शन ए में MCQ पूछा जाएगा आपसे, और यहाँ पे 40 मार्क्स ईच रहेगा। तो अगर आप एप्लीकेबल रहेंगे तो जल्द से जल्द यहाँ जाके अप्लाई कर दीजिएगा। फिर आपका यहाँ पे वन टायर टीचिंग रॉ D के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो यहाँ 300 क्वेश्चन 300 मार्क्स का रहेगा, 20 मार्क्स ईच रहेगा, 100 मार्क्स यहाँ और 200 मार्क्स का MCQ रहेगा।